क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 7 है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट ग्रेटर देन और लेस देन साइन बिटवीन देम. सबसे पहले हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो है 530 एंड 503. हमने देखना है इनमें से कौन सा नंबर नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर होगा. इसके लिए मैं एक और आपको छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाता हूं. देखिए जैसे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसपे हमने जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स यानी -1, -2, -3, -4 लिखे हैं. मान लीजिए इसमें से मैं कोई भी दो नंबर्स लेता हूं. जैसे एक मैंने लिया है -3 और दूसरा मैंने लिया है 2. ठीक है, ये मैंने लिया है 2, ये लिया है -3. हम सबको पता है कि पॉजिटिव वाले नंबर बड़े होंगे, नेगेटिव वाले नंबर छोटे होंगे, है ना. तो संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर जो नंबर राइट पर, यही रूल है कि जो नंबर राइट साइड पर होगा वो बड़ा होगा. इन दो नंबर्स में से हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो राइट साइड पर है और -3 जो है वो लेफ्ट साइड पर है. तो इसका मतलब -3 छोटा होगा. एंड उल्टा भी है कि जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर होता है. जैसे इसमें से देखें, ये है 3, ये है 5. कौन सा बड़ा है? 5. कौन सा छोटा है? 3. नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर कौन सा नंबर है? 3. कौन सा नंबर है? 3. इसका मतलब जो नंबर लाइन पर लेफ्ट पर कौन सा नंबर होना चाहिए? जो छोटा होगा. जो छोटा होगा इसका मतलब यह है इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है 530 एंड 503, इसमें से नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर कौन सा नंबर होगा? जो छोटा होगा. तो आप बताइए इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 530 या 503? तो आप देखेंगे 503 जो है वो छोटा है. तो हम यहां लिखेंगे 503 विल बी ऑन द लेफ्ट. ठीक है, 503 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पर 503 जो होगा, इन दो नंबर्स में से 503 लेफ्ट साइड पर होगा. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि हमने लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी लगाना है. तो यह नंबर था 530 और दूसरा नंबर था 503. अब हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है. तो देखिए 530 बड़ा है तो इधर को ये वाला साइन आएगा, यानी इसका मुंह ओपन रहेगा. याद रखना इस निशान का मुंह ओपन रहता है जिस तरफ को बड़ा नंबर हो. तो देखिए यहां से ओपन है, यहां से क्लोज्ड है, इस तरफ को ओपन है मुंह, ये ग्रेटर देन का साइन है. तो 530 इज ग्रेटर देन 503. इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं. ये है 370 एंड 307. फिर से नंबर लाइन पर सोचिए, 370 बड़ा है या 307? 370 बड़ा है या 307? 370 बड़ा है, 307 छोटा है. तो हमने कहा था लेफ्ट साइड पर कौन सा नंबर होता है नंबर लाइन पे? छोटे वाला नंबर. तो लेफ्ट साइड पर कौन सा होगा? जो इनमें से छोटा नंबर है. छोटा नंबर है 307. तो हम लिखेंगे 307 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन. ओके बेटा, अब इसके बाद से हमें निशान भी लगाना है. तो जो ऊपर संख्याएं दी हैं, जैसे ही दी हैं, मैंने पहले वैसे ही लिखी हैं, उसके बाद मैंने निशान लगाना है. अब बताइए 370 बड़ा या 307 बड़ा? 370 बड़ा. तो इधर को ओपन मुंह रखेंगे, खुला मुंह, और उधर को क्लोज्ड. तो ये जो है 370 इज ग्रेटर देन 307. इसी तरीके से बच्चों इसके दो सवाल और हैं. यह है 98,765 और यह है 56,789. तो इनके लिए नंबर लाइन लगाने की जरूरत नहीं. आप सोचिए कि यह है 98,000, यह है 56,000. तो छोटा कौन सा हुआ? 56,000. तो आप लिखेंगे 56,000 वाली ये जो नंबर है 56,789 विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑन द
नंबर लाइन। ओके एंड फिर से हमें निशान लगाना है, तो यह 9 8 7 6 5 और यह 5 6 7 8 9। तो जो बड़ा नंबर है उधर को ओपन मुंह, इसमें से 98 वाला बड़ा है, इधर को ओपन मुंह आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक सवाल और है, इसको बेटे आप खुद से ट्राई कीजिएगा।